ये यीशु का चमत्कार है। आमेन, हालेलुया। अपने संकट में एक बार यीशु को पुकार के देखो, जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। राम बाबू, हाउ कैन यू से दिस? राम बाबू, कैसे आप बोलोगे ऐसा? यू सी राम बाबू टुडे, आज आप राम बाबू को देख रहे हैं। Once upon a time I hated Jesus. एक बार मैं यीशु को घृणा करता था। You know, whenever I used to take Bibles, जब कभी मैं बाइबल लेता, I used to dip it in kerosene, मैं केरोसिन तेल में डालता, I light Bible the matchstick, और उसको माचिस से जलाता, and the Bible is burning, जब बाइबल जल रहा है, I used to throw the burning Bible, मैं बाइबल को ऊपर फेंकता, and I used to say, और कहता, अरे अगर आपका यीशु जिंदा है तो अपने किताब को बचाने के लिए बोलो, जो अपने किताब को ही बचा नहीं सकता दूसरों को कैसे बचाएगा। उसने मेरी जिंदगी को छू लिया, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। Not only forgave me, सिर्फ मुझे माफी नहीं दी। Today, आज I am preaching the Bible which I burnt once upon a time. एक समय जब मैं बाइबल को जलाया करता था, आज मैं उसी का प्रचार करता हूँ मैं। Hallelujah, 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 Hallelujah. Today, आज whatever is your problem, जो कुछ भी आपकी समस्या है, I have invitation to you. मेरे पास आपके लिए चुनौती है, एक नियुक्ता है। लोगों के पास जाके अपने तकलीफ के बारे में बताएं। MLA के पास गए, MP के पास गए, डॉक्टर के पास गए, हर लोगों हर इंसान के सामने जाके रोए। आज परमेश्वर का इनविटेशन, टुडे गॉड इज इनवाइटिंग यू। आज परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है। कॉल अपॉन मी, मुझको पुकार। यू कॉल्ड एवरीबॉडी, आपने सबको पुकार लिया। जीसस सेज, यीशु ने कहा, टुडे यू कॉल अपॉन मी, आज तुम मुझको पुकारो, आई विल डिलीवर यू, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। Whatever is your problem, चाहे वो परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, family problem, पारिवारिक परेशानी, financial problem, आर्थिक तंगी, sickness problem, बीमारी, witchcraft problem, जादू टोना, demonic problem, दुष्टात्मक, whatever is your problem, कुछ भी क्यों ना हो, एक बार यीशु को पुकार के देखो, जिंदगी बदल जाएगा। एक बार यीशु को पुकारिए, जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। ये बहन को बचपन से सुनाई नहीं देता था एक कान में, अभी प्रभु ने चंगाई। लेकिन आज आप बोले कि आओ आपको चंगाई मिलेगा, तो मैं आई और मुझे सुनाई दी। आमेन। कंकड़ डाल दिया था और उस समय पीछा डॉक्टर है दुर्ग में, ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बोला पर्दा फट गया है, अब कभी भी सुनाई नहीं देंगे। लेकिन मैं वहां खड़े थे, कोई मुझे बता दी आपका बेटी को प्रभु ने चंगा किया करके, परमेश्वर ने बड़े काम किया है। हालेलुया। था इनके दोनों कान में छेद है, एक कान में लेफ्ट कान में दो छेद है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन आज इन्हें पूरी तरह से चंगा किया। हालेलुया। आपका नाम? खुशबू, क्या हुआ था बड़ा? मैं बचपन में छोटी थी तो मेरे कान में मैंने कागज मोड़ के से डालना शुरू कर दिया, वो डालती थी, उसके बाद में मेरे कान से मतलब ब्लड और पस दोनों ही बहते थे, और जैसे भी ठंड ना जैसे लगता था तो मेरे को ज्यादा दर्द होने लगता था।
और डॉक्टर यहीं पे अपने रतन तिवारी करके डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। दस दो दिन के बाद मेरा ऑपरेशन था, मम्मी को कहीं से डॉक्टर का नंबर पता चल गया दूसरे का। तो उसके बाद से पता नहीं, मन में मेरे विश्वास था कि जब से मैं प्रभु के पास में आऊँगी तो मेरा कान ठीक हो जाएगा। और मैं उसके टाइम से मैं बोलती कि ऑपरेशन का दूसरे दिन था, पर मैं बोलती कि नहीं मैं नहीं कराऊँ ऑपरेशन, और मैं आज तक ऑपरेशन नहीं कराई थी। परमेश्वर शायद आज किस दिन का वेट करा था कि मैं ठीक हूँ। और मेरे को अभी दोनों कान से लेफ्ट से मेरे को कम सुनाई देता था और राइट से मेरे को ज़्यादा सुनाई देता था, पर अभी मैं चेक जब करने लगी तो मेरे को दोनों से बराबर सुनाई देता था। Lord, I thank you for healing her and bless her in the name of Jesus. You are the healer. I give you glory in Jesus' name. तू चंगा करने वाला है, आपने चंगा किया, मैं महिमा इज्जत आपको। God bless you, sister.